कुछ करेगा। ये जिस दिन हमने करने में कामयाब हासिल कर ली, उस दिन अपना आप ही कांग्रेस रिवाइव हो गई। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले धन बल के आधार पर, सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे मकन जी तुम्हारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर, और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम कहलाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो शिंदे को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे, सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये माहौल बना रहे थे वहाँ पर कि चिंता मत करो मेरा पैसिज पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई तब जाकर सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है, महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा, राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वहीं रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। इसलिए मैं बात